बिहार में जब से शराबबंदी है, बक्सर ज़िले में लगातार शराब पकड़ी जा रही है, जहां पिछले दिनों करीब 13,000 लीटर शराब विनष्टीकरण किया गया था, वहीं आज 22,000 लीटर शराब विनष्टीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर, ब्लू इम्पीरियर जो महंगी शराब है, जो लगातार ये पकड़ी जा रही है। तो आपको बता दें कि यूपी से बिहार के सीमा में प्रवेश करने के दौरान ये शराब पकड़ी गई थी, जो आज विनष्टीकरण किया जा रहा है। डीएम अंशुल अग्रवाल जो है, उन्होंने बताया कि 22,000 लीटर ये शराब है, जिसकी कीमत लगभग करीब 7 करोड़ से ऊपर की आंकी गई है। तो हम आपको बता दें कि अभी ये शराब जो है, ये 2 कंटेनर में जो है ये शराब, इसका विनष्टीकरण किया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे उत्पाद इंस्पेक्टर यहाँ पे हैं, दिलीप सर, तो उनसे हम जानने का प्रयास करें कि ये कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गई और कैसे पकड़ी गई यहाँ बिहार से यूपी से बिहार में आने के दौरान। सर साहब हैं, सुप्रिटेंडेंट सर से लीजिए थोड़ा सा। सर कैसे सुप्रिटेंडेंट सर हैं, आप लिया जा रहे हैं स्कैनर से? आप सर सुप्रिटेंडेंट सर हैं, वार्ता किया जाए, सुप्रिटेंडेंट सर हैं। तो हालांकि जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, उन्होंने बताया कि 7 करोड़ से ज़्यादा की मात्रा में ये शराब पकड़ी गई है। तो ऐसे में आप सुने बक्सर जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल इस बारे में क्या कुछ बता। आज आप लोग देख सकते हैं लगभग 22,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसमें से लगभग 16,000 लीटर का जो है जब्ती मद निषेध विभाग के द्वारा किया गया और लगभग 6,000 लीटर का जब्ती पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि बक्सर जिला प्रशासन के लिए है। हम लोग आज विनिष्टीकरण इसका समेकित रूप से यहाँ पर करवा रहे हैं। उद्देश्य हम लोगों का यही है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भी शराब माफिया हैं, जो भी इस धंधे में लिप्त लोग हैं, उनके लिए जाए, और इससे भी और कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। सेतु से जितनी भी भारी कमर्शियल वाहन जा रहे हैं, हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि हर वाहन का जो है सघन चेकिंग अभियान चले, और उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों को निरंतर मिलती आई है। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग करते रहें। सर पिछले 2 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें जी, तो भारी मात्रा में बरामदगी होती जी, ऐसे में क्या माना जाए, सक्रियता बढ़ी है प्रशासन या फिर तस्करों की सक्रियता बढ़ी है? नहीं, जैसा मैंने बोला भी सही, जब से वीर कुंवर सिंह सेतु पे आवागमन प्रारंभ हुआ है, तब से भारी कमर्शियल वाहन भी भारी तादाद में वहाँ से रोज जा रहे हैं, और इसी का मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा उठाकर जो भी असामाजिक तत्व हैं, शराब माफिया हैं, इसका फ़ायदा उठाकर ऐसा करना चाहते हैं। पर जिस तरह की उपलब्धि हम लोगों को मिली है, जिस तरह का विनिष्टीकरण का कार्य हम लोगों ने पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बिल्कुल शराब माफियाओं को दे रहे हैं। सर पुल के माध्यम से जो कंटेनर जा रहे हैं वो ब्रह्मपुर में भी जा करके पकड़े जा रहे हैं, तो क्या में कमी रह जा रही है? नहीं, बिल्कुल इसका भी जो है हम लोग जांच करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा भी है, जो भी प्रयास होता है सभी का करा भी जाता है। जो स्कैनर है उसी की मदद से मुख्यतः हम लोग पकड़ते हैं, 1-2 घंटे के लिए उसको चार्ज करना अनिवार्य है, पूरे दिन भर में उसी का हो सकता है कि कुछ फ़ायदा उठा के जा रहे हैं, पर उस बीच में मानव या भी जो भी हमारा बल है उससे हम लोग और सघन उस जाँच अभियान। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय।